दादा ऐसे जीत रहा है कि भारती तो भगे जाओ दत क्या छोड़ गए। दादा जीते कम से कम 10-15 हजार भूटान से। कल कमलनाथ जी आए थे वगैरह थे, दतिया की जनता गुलाम है ये बोल रहे थे, बेइज्जती करके गए दतिया की जनता की। वो तो उनको खुद जवाब मिलेगा, हमारे मंत्री जी खुद देंगे। कम से कम 30-40 हजार वोटन तो जीतेंगे नरोत्तम मिश्रा। वो सिर्फ चुनाव लड़ता है अपनी 5 साल की रोजी रोटी चलाने के लिए, चारों तरफ से चंदा आ जाता 5 साल बढ़िया घर चलता है। उतनी कमलनाथ जी की आम सभा में भीड़ नहीं हुआ करती, उतनी नरोत्तम जी की जनसंपर्क में भीड़ हुआ करती है। इतना विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। वादे पे वादे किए जाते, एक भी वादा निभाते नहीं। क्यों करते हैं वादा जब हैसियत नहीं है निभाने की। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण माहौल है, सरकार भी आ रही है और दादा भी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। जो तो दादा ने काम किया कोई कर नहीं सकता है। बीजेपी की सरकार चाहिए, हम बीजेपी ही लाएंगे। इस बार दतिया सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी कि एक अकेला पार्थ चला है भारत वर्ष की पवन धरा दतिया को बचाने के लिए, और सारे कौरव साथ खड़े हैं सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को झुकाने के लिए। नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, भाजपा को लेकर आएगा, भाजपा ही आएगी, कांग्रेस को नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। दादा ने इतना विकास किया है दतिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना तो ये कभी हुआ है ना कभी हो पाता अगर दादा नहीं होते। हम दतिया के वार्ड नंबर 24 में हैं, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जनसंपर्क चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से दतिया की तंग गलियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डोर टू डोर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। इतनी कमलनाथ जी की आम सभा में भीड़ नहीं हुआ करती, उतनी नरोत्तम जी की जनसंपर्क में भीड़ हुआ करती है। इतना विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, नरोत्तम जी को हराना असंभव है। बहुत शानदार प्रत्येक दिन, शानदार बहुत शानदार, प्रत्येक दिन जनसंपर्क बहुत बढ़िया हो रहा है, हर वार्ड में बढ़िया हो रहा है। आप सैलाब देखेंगे किस तरीके से न सिर्फ पुरुष वर्ग बल्कि ये तस्वीरें हम आपसे कहेंगे महिलाएं भी लगातार साथ चल रही हैं, बच्चे ऊपर छतों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं, तमाम दतिया की जो आम आवाम है वो लगातार साथ चल रही है, लगातार डोर टू डोर उनका स्वागत चल रहा है। आप कवर कर रहे हो जनसंपर्क में, देखो जनता आतुर है कि हमारे नेता उनके द्वार पर आए, वो पुष्प वर्षा करें, हार पहनाए, और उत्साह आपको पब्लिक में दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण माहौल है, सरकार भी आ रही है और दादा भी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ बताया ये जाता है कि कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव होने वाला है, और यह बात इसलिए कही जाती है क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो बेहद कम था, करीब 2600 वोटों का मार्जिन था। मेरा नाम अमन बुंदेला है, मैं दतिया का ही हूँ, और जैसे ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक कविता के माध्यम से, एक शायरी कह सकते हैं कि एक अकेला पार्थ चला है भारत वर्ष की पवन धरा दतिया को बचाने के लिए, और सारे कौरव साथ खड़े हैं सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को झुकाने के लिए। नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, जिंदाबाद। अब की बार क्या माहौल है दतिया का ये हम आपको दिखाएंगे। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की विधानसभा में मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र में पहला स्विमिंग पूल है, आज जो स्विमिंग पूल शहरों में देखने को मिलता है, और हमारे ग्राम पंचायत घुगसी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, डामर रोड जंगल में और पूरे मंदिरों के लिए, और स्विमिंग पूल गार्डन की व्यवस्था, 40 लाख की गौशाला की व्यवस्था, आज दतिया के प्रत्येक गांव में ऐसी सुविधाएं मंत्री जी ने हमारे ने दी है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, जैसे कल भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था और साउथ अफ्रीका बराबर की मान रहे थे पर हार गई थी, ऐसे ही दादा और साउथ अफ्रीका कांग्रेस का मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका मतलब कांग्रेस हार जाएगी। स्थिति तो जो है कि दादा ऐसे जीत रहा है कि भारती तो भगे जाओ दत क्या छोड़ गए। हाँ दादा बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे क्योंकि दादा ने बहुत अच्छा विकास करवाया दतिया में। विकास के मसीहा हैं नरोत्तम दादा, और दादा ने इतना विकास किया है दतिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना तो ये कभी हुआ है ना कभी हो पाता अगर दादा नहीं होते। आपका
भैया दादा का बहुत अच्छा काम है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की दादा बात सुनते हैं और उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। दतिया में उन्होंने बहुत विकास किया है, रिंग रोड बनवा दी, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, वेटनरी कॉलेज बनवा दिया और दतिया को विकास की ऊंचाइयों पर ले गए। इस बार दतिया सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, इतनी भारी मतों से जीतेंगे कि कल्पना भी नहीं कर पाएगा कोई इतनी भारी मतों से। नाम बता बेटा। मेरा नाम कृष रावत है। क्या कहना चाहते हो दतिया के बारे में, विकास के बारे में, दादा के बारे में? दादा ने बहुत अच्छा विकास किया, इस बार जीतेंगे, जीतेंगे 50,000 वोटों से। तो चला नहीं पाए, अब बनाएंगे क्या सरकार? क्या कोशिश कर रहा है? कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाहर से बुलाए थे, कमलनाथ के चक्कर में बोलते हैं, वादे पे वादे किए जाते, एक भी वादा निभाते नहीं। क्यों करते हैं वादा जब हैसियत नहीं है निभाने की? तो यहाँ भाजपा ही कितने उत्साहित है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आगे से दिखाएंगे जनसंपर्क का कैसा क्या माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को, जो लोग जिन लोगों के दरवाजे पे डॉक्टर मिश्रा पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है। डलवाता दादा, मेडिकल लाता दादा। सब कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह भी है। हाँ। दादा के नाच जी जान से लगे हैं हम और, हाँ। और दादा को बिल्कुल जितवाए हैं हम लोग। हाँ। दादा जीते कम से कम 10-15,000 बूटन से, हमारी जीत सुनिश्चित है और काफी मतों से हम जीतेंगे, क्योंकि ये 15 वर्ष से जो उन्होंने काम किया है वो आश्वर्णीय है, असुक्ति है। कोई भी व्यक्ति दतिया में कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? हम बहुत नीचे स्तर पे देख रहे हैं कांग्रेस को। डायरेक्ट कनेक्ट जो प्रत्याशी है वो 4 बार का हारा हुआ है। 30-40,000 वोटन से जीतेंगे उत्तम मिश्रा। आप खुद देख रहे हो जनसंपर्क कैसा हो रहा है, कितने लोग हैं। आप भारती जी की रैली में जाके जाओ, 50 आदमी नहीं मिल रहा उनको जनसंपर्क के लिए। आप खुद देखिए दादा के लिए मतलब कितने तैयार है ये लोग, दादा की जीत तय है। दादा के ऊपर माई का आशीर्वाद है, पीताम्बरा माई पर माई का आशीर्वाद है, दादा को कोई हरा ही नहीं सकता दतिया में। कल कमलनाथ जी आए थे वगैरह थे, दतिया की जनता गुलाम है ये बोल रहे थे, बेइज्जती करके गए दतिया की जनता की। वो तो उनको खुद जवाब मिलेगा, हमारे मंत्री जी खुद देंगे, आप खुद देखिए। जो चुनाव हार गया हो और 5 बार क्या उम्मीद रखेगा, वो सिर्फ चुनाव लड़ता है अपनी 5 साल की रोजी रोटी चलाने के लिए, चारों तरफ से चंदा आ जाता, 5 साल बढ़िया घर चलता है उनका, इसलिए वे चुनाव लड़ते हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वे फिर दूसरी पार्टी से लड़ते, लड़ू के जूते मार के टिकट लाए। अभी आप पट्ठापुरा के एरिया में हो, गायत्री गार्डन के पीछे जनसंपर्क आप देख ही लो क्या माहौल है, और जनसंपर्क देख लो, उनके पास 25 आदमी और हमारे पास 2,500 आदमी, इतना फर्क है जनसंपर्क में भाई साहब। गायकों पर कांग्रेसी भग गए पूरे दतिया छोड़ के, कहता हूँ मिल ले ही रहो भैया, ढूंढे नहीं मिल रहा हो, आपको मिले तो हम लोगों को बता दे, मिल नहीं रहो।